जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज भारत के कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और दोस्तों, कावेरी इंजन के नए वेरिएंट को लेकर खुद डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक नई जानकारी को साझा किया गया है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर जो मरीन इंजन भारत यूक्रेन से खरीदता था, अब वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। और दोस्तों, भारत अब खुद का इंजन बनाकर इसमें यूज करेगा। और इसी को लेकर अब भारतीय डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ा अपडेट यहां पर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, भारत की जेट इंजन को लेकर भी एक बड़ी न्यूज आ रही है, जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कावेरी इंजन को भारत पूरी मेहनत से बना रहा है, और ऐसे में काफी लंबे समय से भारत इस पर काम कर रहा है। लेकिन कावेरी इंजन को बनाकर तैयार कर लिया गया है, फिर भी भारत इसको उस लायक नहीं बना पाया जो कि भारत के तेजस में इसको यूज किया जा सके। और दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी भारत को इसके आफ्टर बर्निंग सेक्शन में आई। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि डीआरडीओ एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रहा है जहां पर कावेरी इंजन की मदद से भारत अपने कई सारे अलग अलग इंजन को बनाएगा, जहां पर दोस्तों ये मरीन इंजन भी शामिल होगा, जिसका इस्तेमाल हमारे नेवल शिप्स के अंदर किया जाएगा। और दोस्तों, इसी के अंदर हमारा डीआरडीओ पहले से ही 12 मेगावाट का एक इंजन बनाकर तैयार कर चुका है। और दोस्तों, इसको 12 मेगावाट के आसपास टेस्ट भी किया जा चुका है। और दोस्तों, अगर आप इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो 12 मेगावाट की थ्रस्ट है वो 16 मेगावाट के आसपास हो जाती है, क्योंकि दोस्तों भारतीय कंडीशंस और इंटरनेशनल कंडीशंस में काफी फर्क है, जिसके कारण दोस्तों यहां पर इसकी जो 12 मेगावाट की पावर है वो भी इंटरनेशनल रूप से अगर देखा जाए तो वहां पर 16 मेगावाट की पावर दिखाई देगी। और साथ ही दोस्तों, यहां पर भारतीय डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि इसके कंपैरिजन में जो भी यहां पर इंजन आते हैं उनसे ये 25% तक ज्यादा ताकतवर है, जिससे कि इनको हम अपने नेवल शिप्स के अंदर यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम अपने INS विक्रांत के अंदर इसको लगाते हैं तो दोस्तों वहां पर जो 4 मरीन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर हम UK के इंजन का यूज करते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में DRDO इसको और भी ज्यादा उन्नत बनाकर इसको अपने डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट और कैरियर में यूज कर सकता है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ न्यूज ऐसी भी आ रही थी कि यहां पर DRDO UK की रॉयल्स रॉयल के साथ समझौता करके अपने कावेरी मरीन इंजन को और भी ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं, जिससे कि दोस्तों इसकी एफिशिएंसी को भारत अपनी रॉयल्स रॉयल कंपनी के साथ मिलकर बढ़ा देगा। साथ ही दोस्तों, यहां पर DRDO की तरफ से इसको और भी डेवलप करने के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो अगर भारतीय सरकार और भी यहां पर सपोर्ट करती है तो DRDO इसको और भी ज्यादा उन्नत इंजन बनाकर तैयार करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अभी 150 से ज्यादा ऐसे मरीन शिप्स को यूज करती है जिनके अंदर ये इंजन लगे हुए होते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय नौसेना यहां पर अपने शिप्स की ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है, और इसी की वजह से यहां पर इसके जो इंजन है उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में दोस्तों, अगर खुद का इंजन भारत यहां पर लगा कर अपने शिप्स को यहां पर बनाता है तो भारत को ये काफी ज्यादा किफायती और सस्ते पड़ेंगे। वैसे दोस्तों, यहां पर DRDO को मानना है कि अगर हम अपने एमका के इंजन को बनाकर तैयार करते हैं तो हम अपने मरीन इंजन को उसी के बेस पर बनाकर और भी ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यहां पर भारत अपने मरीन इंजन को उस तरह से डेवलप कर पाएगा कि इसकी पावर को करीब 25 मेगावाट तक ले जाया जा सके। और ऐसे में दोस्तों, अगर एक बार इसको बनाकर तैयार कर लिया जाता है, साथ ही 25 मेगावाट की पावर के साथ इसको टेस्ट कर लिया जाता है, तो जितने भी भारतीय शिप्स हैं उनके अंदर इसको लगाना आसान हो जाएगा। साथ ही भारतीय नौसेना को विदेशों से इंजन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में दोस्तों, अगर भारत खुद के कैरियर को बनाकर इसमें यूज करना चाहेगा तो भी इस इंजन को यूज किया जा सकेगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारा जो कावेरी इंजन है उस काबिल अभी तक हम उसे बना चुके हैं कि उसको हम छोटे फ्रिगेट्स में लगा सकें। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।